लोकसभा चुनाव में क्या है माहौल, हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं रायबरेली। आइए रायबरेली की जनता से हम करेंगे बात और जानें कि यहां पे क्या है माहौल। राहुल गांधी जी को एक संदेश देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी का ये हाल है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत यत दूर। आप हमारी बात को समझिए, बड़े तो बहुत है, ना तो यहाँ फल मिल रहा है ना यहाँ छाँव मिल रहा। यदि मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं राहुल गांधी से मिलने के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं दिल्ली चला जाऊँ, मैं दिल्ली कमाने तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली वहाँ राहुल गांधी से मिलने, अगर मैं यदि किसी तरह दिल्ली पहुँच भी गया कर्ज वर्ज लेके, तो मैं राहुल गांधी से मिल ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत VIP हैं। VIP इतने हैं कि उनको हम लोग देखते हैं रास्ते से ऐसे करते हुए चले जाते हैं। इस बार रायबरेली में क्या मुद्दा रहने वाला है? रायबरेली में इस बार कमल खिलने वाला है। दिनेश सिंह हमारे घर के हमारे चाचा दादा तुल्य हैं, जो हमको रात में दुख हुआ, कोई मुसीबत हुई, हम अगर उनका गेट खटखटाएंगे तो वो अपनी धोती बांधते हुए बाहर चले आएंगे और पूछेंगे कि भाग के आएंगे और पूछेंगे बताइए क्या हुआ बेटा, क्या समस्या है। जो भी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे। मगर एक चीज और देखा गया है कि नेहरू परिवार यहाँ से लंबे समय से चुनाव लड़ता रहा है और हार तो नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे 13 से 14 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं, 2 ही बार यहाँ BJP के रहे हैं, तो इस बार उस कड़ी को कैसे तोड़ पाइएगा? आपको ये गलत न्यूज है, हमारे यहाँ हमारे स्वर्गीय अशोक सिंह जी ने यहाँ कांग्रेस को हार दी है। दो बार BJP यहाँ पे जीती है जी। उस टाइम तो मैं शायद था भी नहीं अपने उम्र के अनुसार, या छोटे रहे होंगे उतना हमको याद नहीं, लेकिन हमारे पिताजी हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पे उनको हार यदि किसी ने दी है तो वो अशोक सिंह जी ने दी है, जो कि अब की ये 2024 के चुनाव में ऐसा ही होने वाला है। यहाँ से राहुल गांधी हारेंगे और ये निश्चित है हारेंगे, इसीलिए उन्होंने वायनाड से भी नामांकन किया है, क्योंकि और क्या लग रहा है यहाँ का माहौल। हाँ, एक एक करके हम सबके पास आएंगे और हम एक एक लोग सबसे बात करेंगे, क्या माहौल है इस बार का? माहौल अब की जो है लोकल का ही आदमी रहेगा और दिनेश भैया ही जीतेंगे, वो हमारे हर समय पे मौजूद रहते हैं, कभी भी किसी को कोई समस्या पड़ती है हम लोग तुरंत जाए, तुरंत काम हो जाता है और मिलना, मतलब क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में उसका फायदा मिल रहा है उनको। कई लोगों को जो है बीमार थे, कैंसर के से पीड़ित थे, जिनको उन्होंने जो है राहत वस्तु जो है पैसा दिलवाया, इलाज करवाया, मुफ्त में इलाज करवाया लोगों का, और भी काफी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उनका काम, बढ़िया मतलब स्थानीय होने का फायदा मिल रहा है। हाँ, स्थानीय होने का बहुत फायदा मिल रहा है, मगर कांग्रेस का गढ़ है यहाँ पे, कांग्रेस का हराना बड़ा मुश्किल। गढ़ लेके हम लोग क्या करेंगे, गढ़ के नाम पे जो है बहुत दिन से ठगे जा रहे हैं ना, कब तक ठगेंगे गढ़ के नाम पे, कुछ बदलाव चाहिए जी। इस बार बदलाव होगा, अब की बदलाव होगा, अब की बदलाव 400 पार, हाँ 400 पार, अब की 200 नहीं पार होगा, नहीं नहीं सामने आ जाएगा, कांग्रेस को अब की हराने वाला कोई है ही नहीं, चांद। रायबरेली में चुनाव को लेकर के क्या माहौल है इस बार का? भैया कांग्रेस BJP का क्या है यहाँ पे? भैया रोजगार मिल नहीं रहा, युवा परेशान है सब, यही सब समस्या है। राहुल गांधी चुनाव पहली बार लड़ने आ रहे हैं रायबरेली, अमेठी छोड़ के आए हैं, वो कैसे सोचते हैं आप लोग, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? भैया रोजगार मिलेगा कांग्रेस सरकार में, जैसे आपने देखा कैलेंडर उनका, युवाओं का मतलब रोजगार को लेकर ही चुनाव इस बार का मुद्दा यही है। इससे पहले जो कांग्रेस के यहाँ पे चुनाव जीते हैं, चाहे मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, वो कैसा रहा? भैया समझ में नहीं, रोजगार मिला नहीं, सब लड़के सब रोड पे हैं, इतने सारे लड़के रोड पे हैं, इस बार का यही मुद्दा रहने वाला है, इसी पे लीक हो रहे हैं सब, यही मुद्दा है सब। और यहाँ पे विकास कार्य कैसा हुआ रायबरेली में? कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि काहे नहीं हुआ? नहीं हुआ, करा नहीं रहे भैया, कांग्रेस सरकार आएगी इसकी बात, कांग्रेस सरकार आएगी भी। और भी लोग हैं, इनसे भी जाना जाए और बात किया जाए कि क्या है माहौल इस बार का रायबरेली में, जनता क्या सोच रही है? रायबरेली का पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन हावी है, गठबंधन हावी है पूरे उत्तर प्रदेश, गठबंधन हावी है, मगर इधर मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार। अब मोदी जी कह रहे हैं, जनता तो कह रही है मोदी जी तो वो डालेंगे नहीं, जनता डालेंगे ना, वो कह रहे हैं जनता के लिए जो चाहिए था, जनता के लिए हमने बहुत काम किया है और जनता इस बार गठबंधन जीतेगी। रायबरेली में क्या माहौल? राहुल ओनली राहुल
राहुल पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं? नेहरू परिवार पहली बार नहीं लड़ रहा है। नहीं, राहुल गांधी की बात कर लीजिए, जैसे पहले सोनिया गांधी नेहरू परिवार शुरू से चुनाव लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है, कोई पहली बार नहीं आया। रायबरेली यहाँ पे नेहरू परिवार के साथ अभी माता जी लड़ी, इसके पहले सांसद थी, राहुल आ गए। मतलब रायबरेली की जनता अभी भी नेहरू परिवार के साथ है और रहेगी। भाई नहर का पानी हम लोग को मिल रहा है, धान खा रहे हैं, गांधी परिवार देना, गांधी परिवार सादा नहर मिला, इसी वजह हम लोग खा पी रहे हैं। अमेठी से वो चले आए, आपको क्या लगता है अमेठी से चले आए? उनका घर है रायबरेली, रायबरेली राहुल का घर है, वो अपने घर आए हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि वो भाग के चले आए, कोई अपने घर नहीं आता है, भाग के बाहर जाता है, लेकिन वो अपने घर आए हैं, भाग के नहीं आए, वो अपने घर आए ना, अपनी इच्छा से। नहीं लगता कि वहाँ हार गए थे चुनाव, कुछ काम हम नहीं किए थे, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो बहुत काम है, 10 साल में कोई काम ना अमेठी में हुआ है ना अरावेली में हुआ है। अच्छा, जो हुआ 10 साल पहले ही हुआ है। स्मृति ईरानी तो अमेठी में कहती है कि राहुल गांधी थे तो यहाँ पे एकदम कबाड़ा बना रखे थे, हम जब से आए भी क्या करें, बता दी कुछ एक काम कोई बता दें अमेठी में क्या किया 10 साल में, वो ये काम बता दें, जो भी हुआ है रायबरेली अमेठी में कांग्रेस ने। इस बार क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ से राहुल गांधी गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा? बस मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार का? बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी पूरी तरह से, बेरोजगारी बेरोजगारी उसी पे वोट होना है पूरी पूरे। क्या माहौल है यहाँ पे रायबरेली में? चल रहा ठीक, राहुल गांधी अमेठी से यहाँ आए हैं, अब यहाँ से वायनाड जाएंगे, यही चल रहा है। हाँ, एक सवाल ये भी है, यहाँ की जनता पूछ रही है, अच्छा ये बताइए ये दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से और वायनाड से, जनता रायबरेली की जनता अगर मान लीजिए जीत जाएंगे यहाँ से, अगर जीत जाएंगे तो फिर भी तो छोड़ना है, सभी नेता छोड़ते, कोई पहली बार तो लड़ ले रहे हैं रायबरेली, वो रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं यहाँ से भारी मतों से हार रहा हूँ, इसलिए वो दो जगह से अपना नामांकन किए हैं। मैं